ओके दोस्तों, काफ़ी ओरिजिनल तरीका से हम लोगों ने एडिटिंग लेकर के आ चुका है आप सभी के बीच। कुछ इस तरह का एडिटिंग, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल देख लेते हैं तो 110% आप लोग इस तरह का एडिटिंग कर पाएंगे। देख सकते हैं आप लोग कितना हाई क्वालिटी हम लोगों ने फेस स्मूथ किया है और साथ ही साथ कितना हाई क्वालिटी बैकग्राउंड बनाया है, हेयर को भी कितने ओरिजिनल तरीका से बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा फुल देख लेते हैं तो 110% आप लोग इस तरह का एडिटिंग कर पाएंगे। मैं 2023 में कुछ इस तरह का एडिटिंग लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग पुराना एडिट करके थक चुके होंगे और फिर भी आपको अच्छा एडिटिंग नहीं कर पाते होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ 2023 में एडिटिंग कुछ इस तरह का। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने ओरिजिनल फोटो पे, तो हम सबसे पहले इसको शेयर करेंगे स्नैपशीट के अंदर। ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्नैपशीट के अंदर। तो नीचे जो आपको टूल्स दिखाई दे रहा है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इतना हो जाने का सिंपल से आप लोग डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा एंड कुछ इस तरह से इसको बढ़ा दीजिएगा एंड शॉर्पनिंग को भी पूरा 100 कर दीजिएगा। इतना कर लेने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग ऊपर जो एक आयरन का निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके एंड व्यू एडिट पे क्लिक करके डिटेल्स पे क्लिक करके एंड बीच वाले पे जा करके कुछ इस तरह से एक आयरन का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा इधर बगल में, इस पर जा करके कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग इरेज कर लीजिएगा अपने फेस पर से। तो चलिए हम कर लेते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ओके जान, हम लोगों ने इरेज कर लिया है कुछ इस तरह से। तो आप लोग यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिएगा एंड इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग फिर से टूल्स पे जाइएगा एंड इतना कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग जो सिलेक्टिव वाला दिखाई दे रहा है इस पर जा करके एंड कुछ इस तरह से जहाँ आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है उस पर आप लोग ब्राइटनेस को अप्लाई कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। तो हम जैसे कर रहे इसी तरह से आप लोग ब्राइटनेस को अप्लाई कीजिएगा ताकि काफ़ी ओरिजिनल तरीका से और ऑसम तरीका से आप लोगों का फोटो एडिट हो सके, ताकि आप लोग इस तरह का एडिटिंग करके खूब धमाल मचा सके आप लोग इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। कुछ इस तरह से राइट क्लिक कर लीजिएगा एंड फिर से टूल्स पे चले जाइएगा एंड जो आपको ग्लो वाला दिखाई दे रहा है इधर, आपको ग्लो वाला दिखाई दे रहा होगा उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड इसको आप लोग कितना रख लीजिएगा पता है आपको, इतना रख लीजिएगा 29 एंड इतना कर लेने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा। इतना कर लेने का सिंपल से फिर से टूल्स पर जाइएगा एंड यहाँ पे टोटल कंट्रास्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर जा करके इसको 100 कर दीजिएगा एंड मीडियम टोन को भी 100 कर दीजिएगा एंड लो टोन को भी 100 कर दीजिएगा एंड पोर्ट्रेट को भी 100 कर दीजिएगा। इतना कर लेने के बाद सिंपल से यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा। इतना हो जाने के ऊपर जो आपको एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके एंड व्यू एडिट पर क्लिक करके एंड टोटल कंट्रास्ट क्लिक करके बीच वाले पर जा करके एक एरो का निशान आपको इधर दिखाई दे रहा होगा इस पर क्लिक करके एंड कुछ इस तरह से इसको माइनस कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग अपने फेस पर से इरेज कर लीजिएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ओके दोस्तों, हम लोगों ने इरेज कर लिया है, आप लोग यहां से राइट क्लिक कर लीजिएगा एंड इतना कर लेने का सिंपल से आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, फिर से टूल्स पे चले जाइएगा एंड यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर पर जो दिखाई दे रहा है ट्यून इमेज उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड इतना हो जाने का सिंपल से एम्बिनियंस को आप लोग इतना कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद इतना रख लीजिएगा ताकि अच्छा लग सके। सेचुरेशन को भी आप लोग इतना बढ़ा दीजिएगा एंड यहाँ से कंट्रास्ट को आप लोग हल्का सा कम कर दीजिएगा। इतना कर लेने का ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा दीजिएगा एंड इतना हो जाने का यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, आप फोटो को लेकर चलेंगे हम लोग फोटो रूम के अंदर ताकि ब्लर कर सके इसको। तो चलिए लेके चलते हैं। ओके दोस्तों, हम लोगों ने ब्लर कर लिया है कुछ इस तरह से। ब्लर हो जाने के बाद इसको आप लोग शेयर कर लीजिएगा स्नैपशीट के अंदर एंड इतना हो जाने का फिर से टूल्स पे जाइएगा एंड यहाँ से डबल एक्सपोजर पे जा करके प्लस पे जा करके कुछ इस तरह से आप लोग जो स्नैपशीट में सेव किए थे इससे पहले वो वाला ले लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से लेके इसको आप लोग 100 कर दीजिएगा एंड यहाँ से राइट क्लिक करके कुछ इस तरह से एरो के निशान पे जाके एंड व्यू पे जाके एंड डबल एक्सपोजर पे जाके बीच वाले पे जाकर कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग इसको इरेज कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि ब्लर किए हैं तो कुछ इस तरह से आ गया है। तो मैं तो बता ही दिया हूँ फोटो रूम के बारे में, तो कुछ इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा एंड यहाँ से राइट क्लिक करके कुछ इस तरह से आप लोग का फोटो हो जाएगा। तो आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए जान लेके चलते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम में। तो मेरे पास एक प्रीसेंट है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा तभी आप लोग इस तरह का एडिटिंग कर पाएंगे। तो आप लोग ऊपर जो आपको एक 3 डॉट दिखाई दे रहा है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा
तो आप लोग यहाँ से थ्री डॉट पे जा करके एंड कॉपी सेटिंग पे जा करके कुछ इस तरह से यहाँ से राइट राइट क्लिक कर लीजिएगा, आप लोग का ओरिजिनल तरीका से पेस्ट हो जाएगा फोटो पे। कुछ इस तरह से आप लोग क्रॉप जो आपको दिखाई दे रहा है इसको नहीं कीजिएगा राइट क्लिक, एंड यहाँ से राइट क्लिक करके कुछ इस तरह से आप लोग ओरिजिनल फोटो पे जा करके अपने ओरिजिनल फोटो पे इस पे जा करके एंड थ्री लाइन पे जा करके कुछ इस तरह से जो आपको कॉपी सेटिंग के नीचे पेस्ट सेटिंग दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। वन क्लिक में देख सकते हैं आप लोग कैसा हमारा फोटो एडिट हो चुका है, काफ़ी बवाल तरीका से, गजब तरीका से, ओरिजिनल तरीका से आप लोग देख सकते हैं। तो लाजवाब एडिटिंग हम देख सकते हैं आप लोग हो चुका है कुछ इस तरह से। तो इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट शेयर करेंगे अपने ऑटोडेस्क मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने ऑटोडेस्क मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो ऊपर जो है आपको एक कलर के बगल में एरो का निशान जो दिखाई दे रहा है, आप लोग इस पर क्लिक करके एंड एक प्यारा सा छोटा सा एम डी लेयर बना लीजिएगा प्लस पे क्लिक करके एंड यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरह से नॉर्मल पे क्लिक करके एंड सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करके कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ कलर्स पे जा करके रेड कलर चूज कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग यहाँ से मीडियम ब्रश ले लीजिएगा, साइज को देख लीजिएगा एंड सेटिंग को देख के कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कीजिएगा। कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप लोग हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग कीजिएगा, काफ़ी ओरिजिनल तरीका से और गजब तरीका से आप लोग का हो जाएगा कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरह से अप्लाई कर लेने के बाद आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा पता है, आप लोग इस तरह से चले जाइएगा एंड यहाँ पे जा करके कुछ इस तरह से इसको कम कर लीजिएगा, इतना रख लेंगे। इतना हो जाने के बाद सिंपल से अब हम आपको काफ़ी गजब तरीका बतलाने वाले हैं एडिटिंग का, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरह से कलर के बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है एक एरो का निशान, इस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके कुछ इस तरह से ये वाला जो ब्रश ले लीजिएगा एंड इसके आप लोग सेटिंग को देख लीजिए एंड साइज को देख लीजिए, सेटिंग को आप लोग देख सकते हैं कितना है, इतना रख लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से आप लोग ओरिजिनल पे आ करके कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो ये है इस पे आ करके कुछ इस तरह से आप लोग इस तरह से कर लेंगे एंड इस तरह से करके आप लोग अच्छे से अपने हेयर पे ऐसे अप्लाई कीजिएगा ताकि अच्छे से हेयर हो जाए। देख सकते हैं आप लोग कैसे हो रहा है, बड़ा हो जाएगा आप लोग का हेयर, काफ़ी सीबी एडिटिंग की तरह कुछ इस तरह का हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग मैं कैसे कर रहा हूँ, इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं थोड़ा सा करके आपको बतला देता हूँ कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ओरिजिनल तरीका से होगा, देख सकते हैं आप लोग इसी तरह से आप लोग कीजिएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आप लोग सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से आप लोग कीजिए, कुछ इस तरह से करके आप लोग इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग यहाँ से इधर भी कर दीजिएगा ताकि अच्छा लग सके। कुछ इस तरह से कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से ऐसे करके ऐसे आप लोग इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग यहाँ पे एक एरो का निशान जो दिखाई दे रहा है इस पर चले जाइएगा एंड कुछ इस तरह से करके और कुछ इस तरह से ये वाला जो है ये वाला ब्रश ले लीजिएगा एंड साइज को आप लोग देख लीजिएगा, सेटिंग को देख लीजिएगा कितना है, कुछ इतना रख लेंगे एंड कुछ इस तरह से जूम करके अगर आप लोग अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कीजिएगा तो काफ़ी मस्त तरीका से आप लोगों का फेस स्मूथ होगा। देख सकते हैं आप लोग साइज को आप लोग कम बेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, काफ़ी मस्त तरीका से स्मूथ हो रहा है। तो चलिए वीडियो को हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं। सो ओके दोस्तों, हम लोगों ने स्मूथ कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग कितना हाई क्वालिटी स्मूथ हुआ है और काफ़ी ओरिजिनल तरीका से स्मूथ हो गया हमारा फोटो। तो हम इसको शेयर कर लेंगे टूल विज मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, तो चलिए शेयर कर लेते हैं। सो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं टूल विज मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके इफेक्ट पे जा करके एंड सॉफ्ट स्मूथ पे जा करके कुछ इस तरह से आप लोग नौवें नंबर को चूज कर लीजिएगा एंड इतना करने का मैक्सिम पे जा करके क्लीन पे जा करके कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग अच्छे से हेयर पे अप्लाई कीजिएगा। तो हम जैसे कर रहे हैं इसी तरह से कीजिएगा, देख सकते हैं आप लोग हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग हेयर पे अप्लाई कर लीजिएगा एंड इतना हो जाने का यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा। इतना कर लेने का आप लोग देख सकते हैं कितना ओरिजिनल तरीके से हेयर हमारा बन चुका है, काफ़ी औसम तरीका से। यहाँ से आप लोग फोटो को सेव करके और पी कार्ड में आप लोग शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए ओके दोस्तों, हम लोग पी कार्ड में आ चुके हैं, आप लोग लाइट को ऐड कर लीजिएगा, आप लोग को तो ऐड करना आता ही होगा, लाइट तो जानते ही हैं। कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके एंड इधर से ब्लेंडिंग पे जा करके स्क्रीन करके कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लीजिएगा एंड इतना कर लेने का सिंपल से यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिएगा एंड इतना कर लेने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास एक लिखा हुआ है उसको आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरह से जा करके, कुछ इस तरह से हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे जाइएगा
एंड कुछ इस तरह से ऐड करके एंड इधर आ करके एंड ब्लेंडिंग पे जा करके स्क्रीन करके कुछ इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ऐड कर चुके हैं। ऐसे राइट क्लिक कर दीजिएगा तो हमारा फोटो देख सकते हैं आप लोग एडिट हो चुका है, कितना हाई क्वालिटी एंड साथ ही साथ बैकग्राउंड भी और हेयर भी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो मैं लेकर के आता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।